दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप नया प्रिंटर लेके आए हो और जो प्रिंटर है वो है एप्सन का L3250 L3250 एप्सन का, और देखिए नया प्रिंटर है तो फर्स्ट टाइम किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे वो बता रहा हूं मैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले आप जितनी भी टेप लगी पड़ी हैं ये सब हटा दीजिए, जितनी भी टेप्स हैं सबको आपको आराम से इसे हटा देना है। चलिए हटा लेते हैं यहाँ पर। और दोस्तों, इसके जो प्राइस था वो था करीब 15,290 रुपये का पड़ा है मुझे फ्लिपकार्ट से, अभी मंगाया मैंने, ठीक है। और बता रहे हैं इसमें जो प्रिंट निकलेंगे वो निकलेंगे करीब 4,000 कुछ कलर निकलेंगे और 7,500 कुछ ब्लैक एंड व्हाइट निकलेंगे, शायद ऐसे कुछ है इसमें, ठीक है। आप देख लेना, डब्बे पे लिखा होगा, आप देख लेना उस पर। यहाँ पर देखिए सब टेप हटा देते हैं, थोड़ा वीडियो का बढ़ा देता हूँ। ये देखिए सारे टेप मैंने हटा दिए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये सब टेप हट चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना दोस्तों, अब हमें इसमें इंक फिल करनी है। ये देखिए आपने डब्बा खोला और यहाँ पर देखिए आप एक चीज देखेंगे कि ब्लैक क्या का लिखा हुआ है BK, येलो क्या का लिखा है Y, और मजेंटा क्या लिखा है M, और ये होता है सी, सी से पता नहीं कौन सा कलर होता है, सी सी से लिखा है सी, ठीक है। तो जो डब्बी है, जो जो इंक की डब्बी आई है इसके साथ, वो देख लीजिए आप एक बार। ये देखिए इन पर भी लिखा हुआ है, जैसे देखिए सी पे सी लिखा हुआ है, ठीक है। और दिखाता हूँ अभी, ये देखिए सी पे सी लिखा हुआ है, और ये देखिए ये है हमारा यह है ब्लैक, तो देखिए BK लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब जो लिखा हुआ है वही आपको डालना है, जैसे कि इसमें BK लिखा है तो BK का जो स्याही है वो आपको BK के अंदर ही डालनी है, सी वाले सी में डालनी है, ठीक है। सिंपल से कैंची से काट लीजिए और इसको डब्बी को खोल लीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लाने जरूरत नहीं है, सब कुछ सिंपल है, इसको सिंपल खोलना है आपको। और देखिए BK है, BK वाला खोल दिया ऐसे मैंने, ऐसे खोला अभी। खोलने के बाद आपको सिंपली इसको ऐसे अटका देना है, बस ऐसे खोल देना बस। देखिए ये देखिए घुस गया इसके अंदर और ऑटोमेटिक अब स्याही इसमें भरनी शुरू हो जाएगी। अभी स्याही इसमें भरनी शुरू हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना अब, ठीक है। आपको इसको भरने देना है, चलिए इसको भर लेते हैं फटाफट। ये देखिए स्याही भर रही है इसमें। अब आते हैं दूसरे, देखिए दूसरे अंक पे, ये देखिए सी डाला। देखिए यहाँ पर वो दिख रहा होगा, देखिए बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं देखिए ये वाले, तो स्याही इसके अंदर भर रही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये देखिए नीचे भी देखिए यहाँ पर भरते जा रहा है। दोस्तों आपसे एक चीज ध्यान रखना कि जो कलर है वो उसी का आगे डालना, ठीक है। एक कलर डाल दिया हमने, बंद कर दिया। इसके बाद इसको क्या करना है, आपको तार से जोड़ना है, पीछे जो वायर केबल उसकी पावर केबल थी, पावर केबल को लगा के इसको सिंपली ऑन कर देना है। बस मैंने ऑन कर दिया, देखिए ऑन होने के बाद अब क्या होगा, जो अभी हमने इंक भरी है इसके अंदर वो अभी अंदर पूरे में फैलेगी, ठीक है। जो इसके हेड होता है, हेड तक स्याही पहुंचेगी, ठीक है। उसके लिए देखिए अभी क्या होगा, अभी इसमें दिखाता हूँ एक सेकंड। अभी देखिए, देखिए अभी यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये लाल लाल लाइट जलती है, दिख रही है आपको, ये देखिए। अब आपको इस बटन को 3 से 4 सेकंड तक प्रेस करना है, बस छोड़ देना उसके बाद बस। अब दोस्तों आपको कम से कम 15-20 मिनट का वेट करना पड़ेगा, 15-20 मिनट तक ये अपने आप चालू होगा, बंद होगा, आवाज आती रहेगी, आप देख लेना, ठीक है। 15-20 मिनट तक आपको छेड़ना नहीं है इसको, और जो मैंने कागज लगा रखे हैं कागज को निकाल देना आप, कागज इसके अंदर मत लगाना, ठीक है। अब 15-20 मिनट तक वेट करो, ये ऑटोमेटिक जो स्याही है आपकी वो हेड तक पहुंचेगी, और जब ये लाइट बंद हो जाएगी आपकी, ये रेड लाइट बंद हो जाएगी, उसके बाद आप इससे प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए मैं वीडियो को रोक लेता हूँ। अब देख लो दोस्तों, यहाँ पर जो रेड लाइट थी वो बंद हो चुकी है, ठीक है। अब हमारा सारा काम खत्म हो गया, अब क्या करना है, अब देखिए मैं प्रिंट निकालता हूँ। यहाँ पर मैंने रखा ये डॉक्यूमेंट रखा, इसके बाद मैंने इसको यहाँ से बंद किया, और यहाँ पर देख लीजिए एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट का, एक होता है कलर का। अगर आप कलर पर क्लिक करोगे तो कलर निकलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक करोगे ब्लैक एंड व्हाइट निकलेगा, सिंपल है बहुत, ठीक है। सिंपली मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक किया, एक बार आराम से क्लिक करना, ये देखिए क्लिक किया और
मैंने इसको मतलब हाथ रख रखा है, मैंने दबाया नहीं है। और यहाँ पर देखिए प्रिंट निकलना शुरू हो गया, देखिए प्रिंट निकल गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक, बहुत सिंपल था और मैंने पूरा तरीका बता दिया आपको कि शुरू से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से फर्स्ट टाइम यूज़ करना है इसको। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।